एक्स्ट्रा टाइम। हर इंसान जो काम करता है उस काम का अगर पुष्टि हो जाए तो इंसान क्या करता है, अपना धरती को नमन करता है। एक बड़ा अच्छा तस्वीर देखने के लिए, रणजी ट्रॉफी चैंपियन जो सौराष्ट्र हुई, कप्तान जयदेव उनादकट साथियों से मिले, साथियों से बात किए, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ, फिर वो भाग के गए विकेट की तरफ और विकेट को नमन किया। जयदेव, इस विकेट ने आपको जयदेव उनादकट बनाया, आपके पास 65 विकेट आया विकेट को नमन के। ये सबसे बड़ा एक कप्तान के लिए, एक प्लेयर के लिए सबसे बड़ा एक तस्वीर हो सकता है, लाइफ टाइम तस्वीर हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक जिस तरीके से हम लोग ये मैच जीते, यही मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल मैच भी जीते, और मैं हमेशा मानता हूँ कि हम लोग जितना भी अचीव कर रहे हैं वो ऊपर वाले की देन से कर रहे हैं। जितना भी मेरे नसीब में लिखा होगा उतना मेरे को मिलेगा, और मैं हमेशा मानता हूँ कि हम लोग इतना खेलते हैं तो ना धरती माता को काफ़ी कष्ट भी पड़ता है। तो आई जस्ट वेंट एंड यू नो बोर्ड डाउन टू द मदर अर्थ। अच्छा, आपका एक नया सेलिब्रेशन स्टाइल आया, लेकिन रणजी ट्रॉफी में हर मैच में देखने को मिला, कुछ भी हो जाता है जब टीम का पॉजिटिव कुछ होता है तब आप आसमान की तरफ ताक के ऐसे ऐसे करते, तो क्या कहते हो आसमान को, क्या कहते हो? जैसे मैंने अभी बोला, आई थिंक जितना हमारे नसीब में लिखा होगा उतना हम लोग को मिलने ही वाला था, बट मैं खाली ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहा था हर विकेट के बाद, कि अगर एक टाइम है जब हम लोग को थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है तो वो ये टाइम है। अगर तेरे को लग रहा है कि हाँ हम लोग डिजर्व कर रहे हैं तो वो हमें ज़रूर देना, और मैं उसी वजह से ना ऊपर देख के ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहा था। अच्छा, आपके हाथ थोड़ा दिखाइए, हमारे दर्शक को दिखाएंगे, आपका हाथ में कुछ जादू है क्या? सेमीफाइनल हुआ, टी तक पार्थिव पटेल खेल रहा था, 150 रन बाकी था गुजरात का, हाथ में आपको ले रहा था 5 विकेट, मैच को आपने घुमा दिया 5 मिनट में, आज भी वही देखा, तो बाएँ हाथ में जादू क्या चलता है? मैं खुशकिस्मत हूँ कि अभी ये जादू चल रहा है, और जितना भी ज़्यादा चलेगा उतना मैं चलाता रहूँगा, क्योंकि हर एक प्लेयर के करियर में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है। जितनी भी मेहनत आपने की है पास्ट में, जितनी भी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, उस सब मेहनत का फल मिलता है और लोगों को दिखता भी है। कई बार ऐसा होता है कि बॉलिंग अच्छी कर रहा है लेकिन फल इतना मिलता नहीं है कि लोग नोटिस करें, तो आई थिंक अभी जो फेज़ से मैं गुजर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये फेज़ जितना हो सके उतना लंबा हो सके, और ना ही सिर्फ सौराष्ट्र के लिए पर किसी भी टीम के लिए मैं जाके खेलूं, IPL हो चाहे नेशनल टीम हो, मैं इसी तरह से प्रदर्शन करता रहूं और मेरी टीम को जिता सकूं। जी, आप बोल रहे थे परफॉर्मेंस करने का, थोड़ा सा पसीना बहाने का, पिछले साल जब आप रनर्स अप हुए थे तब क्या क्या बात हो रहा था, क्या यही बात हो रही थी रणजी ट्रॉफी अगले साल जीतना ही जीतना है? देखिए, बात ये नहीं हो रही थी रणजी ट्रॉफी जीतना है, पर ये बात बिल्कुल हो रही थी कि इस साल जितनी भी प्रोसेस फॉलो की है जिसकी वजह से हम लोग फाइनल में पहुँचे, फाइनल में पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ रणजी ट्रॉफी जैसी टूर्नामेंट में अगर आप फाइनल में पहुँचे हो तो टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो मैं मानता हूँ कि बात फाइनल जीतने की नहीं होनी चाहिए बट बात फाइनल तक पहुंचने की होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर 5 दिन का खेल है, जो भी टीम अच्छा खेलेगी फाइनल में यू नो एक आधा मैच का टर्निंग पॉइंट इधर उधर आता रहेगा, तो जो भी टीम प्रेशर हैंडल ज़्यादा कर पाएगी वो टीम जीतेगी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दोनों ही टीम्स इक्वली डिजर्व करती है, जो भी टीम फाइनल खेलती है रणजी ट्रॉफी का। देबू मित्रा से करसन घावरी, पूरा जो रिवोल्यूशन है सौराष्ट्र क्रिकेट को, इसको आप कैसे देखते हो, क्योंकि काफ़ी साल से आप जुड़े हुए हो और मुझे जितना याद आता है 4 फाइनल में 3 शायद आपके 3 फाइनल खेला, तो ये रेवोल्यूशन का आप कैसे देखते हो? हाँ जी, आई थिंक मैं सब फाइनल्स खेला हूँ सौराष्ट्र लास्ट 8-10 साल से बहुत अच्छा कर रही है। जयदेव शाह जब कैप्टन थे, देबू मित्रा कोच थे, तब भी से यू नो अच्छे अच्छे प्लेयर्स आने भी शुरू हो गए, चेतेश्वर आया, रविंद्र टीम में आ गया, और इसकी वजह से आई थिंक टीम अच्छा कर रही थी, और जो एक टीम का माहौल बनता गया उसकी वजह से सबको बिलीव भी था कि ये टीम अच्छा करेगी, आगे जाके भी अच्छा करेगी। हर साल कोई ना कोई अच्छा कर रहा था, टीम भी आगे पहुंच रही थी, लीग स्टेज से आगे नॉकआउट्स तक पहुंच रही थी, तो आई थिंक वो बिलीव जो इन लोग ने स्टार्ट किया है, अब जब हम लोग इधर है
काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी टीम में आए हैं, तो वो लोग को भी एक वो लोग बिलीफ लेके आते हैं कि ये टीम अच्छा कर सकती है, तो हम लोग को जितना भी हो सके उतना कंट्रीब्यूट करना है टीम के लिए। आई थिंक अभी सबका माइंडसेट ऐसा ही है कि जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर सके। आप इतना परिश्रम करते हो लेकिन आपका हमेशा IPL लेके बात चलते खराब नहीं आता है? आई थिंक वो तो देखिए सबकी अपनी अपनी वो तरीका है बात करने की। काफ़ी क्रिटिक्स भी है जो क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, बट सब कुछ सब चीज़ें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आई थिंक मैं जितनी भी क्रिटिसिज्म होती थी उससे सीखता ही था और अभी भी सीखता ही रहूँगा। चलिए, अब तक हमारे साथ थे सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनदकट। जयदेव उनदकट का कहना ये है, सिर्फ टीम गेम के ऊपर भरोसा करके आज सौराष्ट्र इस जगह पर आई और आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। आप लोग एक्स्ट्रा टाइम देखते रहिए। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.